हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया के वीडियो, मतलब इस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक बार 1772 में हेनरी पटुलो जो थे, जो एक कंपनी ऑफिशियल थे, वो एक भविष्यवाणी किए थे कि इंडियन टेक्सटाइल जो है, जो इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इंडियन कॉटन की तरह, इंडियन टेक्सटाइल की तरह अच्छा प्रोडक्ट जो होता है, उसकी तरह गुड्स जो होता है इस क्वालिटी का प्रोड्यूस कर सके। जो इंडियन का, मतलब इंडियन टेक्सटाइल का जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी का गुड्स कोई और कंट्री नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। शुरुआत के जब 19th सेंचुरी शुरू हुआ, वो बोले थे 1722 में जब 19th सेंचुरी शुरू हुआ, तो 19th सेंचुरी के शुरुआत में ही इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो था, मतलब इंडिया से जो टेक्सटाइल, जो इंडिया का बना हुआ माल बाहर के कंट्रीज में जा रहा था, स्पेशली यूरोप में, उसमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 1811 से 12 के बीच में जो एक्सपोर्ट था वो 33% था, लेकिन 1850 तक आते आते वो 3% भी नहीं रह गया एक्सपोर्ट। मतलब आप सोचिए कितना डिमांड कम हो गया इंडियन टेक्सटाइल का। ये ऐसा क्यों हुआ, अचानक ऐसा क्या हो गया? तो जो कॉटन इंडस्ट्री जो इंग्लैंड में डेवलप हो रहा था, इंग्लैंड में भी तो कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो रहा था, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो व्यापारी थे, वो वहाँ के गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे, वहाँ के गवर्नमेंट को प्रेशर देने लगे कि ऐसा है कि आप लोग जो क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट, हाँ, जो इंडिया से गुड्स इम्पोर्ट हो रहा है, उस पर आप लोग एक हेवी इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज करिए। मतलब आप उस पर टैक्स लगाइए, जो भी गुड्स इंडिया से आ रहा है उस पर आप क्या करिए, टैक्स इम्पोज करिए। ऐसा वो अपने गवर्नमेंट को कहने लगे, वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, जो कॉटन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कि आप टैक्स लगाइए वहाँ के प्रोडक्ट पे। उसके बाद अब दूसरा कारण और क्या हुआ कि जो वहाँ के कॉटन प्रोड्यूसर थे, इंग्लैंड के जो कॉटन प्रोड्यूसर थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेशराइज करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्रेशराइज करने लगे कि आप हमारे यहाँ का बना हुआ चीज़ इंडिया में ले जाकर बेचिए। मतलब अभी तक इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था यूरोप में, अब यूरोप का जो प्रोडक्ट है, यूरोप का जो गुड्स है, वो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, कॉटन बिजनेसमैन जो थे, जो कॉटन से जुड़े हुए थे, वो बोलने लगे अपने अधिकारियों को कि आप हमारा प्रोडक्ट ले जाकर अब इंडिया में बेचिए। तो आप सोचिए कि जब यहाँ से एक्सपोर्ट तो अब घटेगा ही, एक तो हेवी ड्यूटी लगा दिया गया, मतलब एक अच्छा खासा टैक्स लगा दिया कि अगर कोई भी इंडिया का प्रोडक्ट लाएगा तो उसको इतना टैक्स पे करना होगा, एक अच्छा खासा टैक्स। ऐसा क्यों किया वो लोग, टैक्स क्यों बढ़ा दिया, ताकि ब्रिटेन में जो ब्रिटेन का बना हुआ गुड्स है उसको आराम से वो लोग सेल कर सके। ठीक है, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे वो सोच रहे थे कि उनके द्वारा जो बनाया हुआ गुड्स है वो ब्रिटेन में भी अच्छे से चले और इंडिया को भी, मतलब बोलने लगे कि इंडिया में भी ले जाकर आप हमारा सामान बेचिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ पहले इंडिया में 1850 के समय में, जहाँ इंडिया में एक कुछ भी, मतलब ना के बराबर, 1850 में जहाँ कॉटन पीस जो था इंडिया में ना के बराबर आता था, बिल्कुल कोई कॉटन का इंपोर्ट नहीं होता था इंडिया में, वो धीरे धीरे 31% तक और 1870 तक आते आते 50% तक इंपोर्ट होने लगा। कहाँ 0%, उसके बाद कहाँ 0% भी नहीं होता था, मतलब 0% होता था, और उसके बाद अचानक 50% इंपोर्ट होने लगा इंग्लैंड से। तो इंपोर्ट अगर उस कंट्री से, उसी कंट्री में एक्सपोर्ट होता था, अब वही कंट्री इंपोर्ट करने लगा, तो डेफिनेटली है कि हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट घट जाएगा। तो इसी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल ना के बराबर हो गया, घट के 3% आ गया।
अब इससे क्या दिक्कत हुआ, इससे जो हमारे यहाँ के बुनकर थे, वेवर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हुआ, इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जो मशीन से बनकर कॉटन आ रहा था, इंग्लैंड से जो कॉटन का प्रोडक्ट मशीन से बन के आ रहा था, वो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता हुआ करता था, काफ़ी चीप होता था, तो लोग उसको ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कॉटन वेवर्स फेस टू प्रॉब्लम, उनका लोकल मार्केट बिल्कुल सैंक कर गया था, और जो भी कॉटन मशीन से प्रोड्यूस होके आता था वो बहुत चीप होता था, बहुत चीप, जिससे कि वेवर्स जो थे कंपीट नहीं कर सकते थे उनके हाथ के बनाए हुए कॉटन के कंपेरिजन में। जो हाथ से वो कॉटन प्रोडक्ट बनाते थे, मशीन से बनाया हुआ कॉटन प्रोडक्ट उसके कंपेरिजन में बहुत सस्ता होता था, तो वो लोग उससे कंपेयर नहीं कर पाते थे, कंपीट नहीं कर पाते थे। दूसरा कारण साथ के साथ क्या हो गया कि अब इंडियन वीवर्स को रॉ कॉटन भी मिलना मुश्किल हो गया, अच्छे क्वालिटी का रॉ कॉटन मिलना दिक्कत हो गया, उनको मिलना बंद हो गया। इसका क्या कारण था, इसका कारण था कि यूएस में एक वॉर, सिविल वॉर शुरू हो गया यूएस में। तो पहले ब्रिटेन जो था वो कॉटन कहाँ से लेता था, पहले ब्रिटेन कॉटन लेता था यूएस से, लेकिन जो सिविल वार कॉटन में, सॉरी सिविल वॉर जो है यूएस में शुरू हुआ, इसके वजह से जो इंडिया को जो सप्लाई कॉटन का सप्लाई यूएस को होता था वो कट ऑफ हो गया, वो रुक गया। तो अब यूएस अपने रॉ मटेरियल के लिए इंडिया की तरफ चल पड़ा, जो इंडिया से, इंडिया में रॉ कॉटन, जो कॉटन इंडिया में बनता था, अब वो कॉटन जो है ब्रिटेन अपने यहाँ यूज करने लगा। तो यहाँ के वीवर्स के लिए तो रॉ कॉटन का कमी हो गया, यहाँ के वीवर्स के लिए जो रॉ कॉटन है वो शॉर्ट अप कर गया, वो ख़त्म हो गया, ना के बराबर, अब उनको कॉटन मिल पाना ही मुश्किल था। पहले तो उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, दूसरा अगर रॉ मटेरियल मिल भी रहा है तो उनका प्रोडक्ट इतना महंगा रहता था, जो ब्रिटेन से बन के आता था जो प्रोडक्ट वो ज़्यादा सस्ता होता था, और इनका प्रोडक्ट जो होता था, वेबर्स का जो प्रोडक्ट होता था वो महंगा होता था। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ के लोग थे वो सस्ता प्रोडक्ट खरीद लेते थे, तो हमारे बुनकरों को दो तरीके से लॉस होने लगा। मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था कि बुनकरों का भुखमरी का स्थिति आ गया था, ठीक है। वेबर्स स्टार्व्ड, लिख रहा है, स्टार्व्ड, स्टार्व्ड का मतलब होता है भुखमरी। अब उनके पास रॉ कॉटन भी खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता था, बहुत बुरा स्थिति हो गया था। और इससे भी ज़्यादा बुरा स्थिति तब हुआ, अभी तक क्या था, अमेरिका, सॉरी ब्रिटेन से, ब्रिटेन में कंपनी था, ब्रिटेन में फैक्ट्री था, और वो फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के आता था, तो इतना दिक्कत था। अब दूसरा दिक्कत क्या होने वाला है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कि अब जो फैक्ट्री है वो डायरेक्ट आ रहा है, अब फैक्ट्री सीधा आ रहा है यहीं इंडिया पे, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, यहाँ के बुनकरों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर बुरा लगा होगा डिसलाइक करके कमेंट करके बताइए क्या बुरा लगा, उसको क्या सुधार किया जाए। अगर आपको किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 947259 6352, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस तरह का भी स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या फिर क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आपको कुछ भी अगर चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। उसके बाद अगर आप इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाए, तो इस नंबर पे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सेंड कर दीजिए। फेसबुक पे एक पेज है, द रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन एक क्रांति, आप उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, और उसको, द रेवोल्यूशन एक क्रांति को लाइक कर दीजिएगा। उस पे भी हमेशा स्टडी मटेरियल जाते रहता है, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जरूर आप अपना भेज दीजिएगा, जो भी आपका डाउट वाला क्वेश्चन होगा, डाउट वाला क्वेश्चन उसको भेज दीजिएगा, क्योंकि जब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे इसके बाद, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद, तो हम आपके क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है।
ओके, थैंक यू।